Fresh fruit contains 68% water and dry fruit contains 20% water. How much dry fruit can be obtained from 100 kg of fresh fruits? अगर 100 kg fresh fruit हो, इसकी quantity हो गई 100 kg, तो fresh fruit के अंदर एक तो 68% वाटर है और रिमेनिंग 32% पल्प होगा। 68% वाटर मींस 68 kg, 32% मींस 32 kg। अब एक पल्प होता है जो हमेशा फिक्स रहेगा, पल्प कम नहीं होगा। 32 kg है तो 32 kg ही रहेगा, वाटर है वो कम होगा, वो सूख जाएगा, पल्प उतना का उतना ही रहेगा। अब आते हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में भी दो भाग होंगे, एक होगा पल्प और एक होगा वाटर। पल्प की क्वांटिटी दे रखी है 32 kg, वाटर का परसेंटेज है 20%, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ड्राई फ्रूट कंटेंट्स 20% वाटर। अब अगर 20% वाटर है, यानी जो पल्प होगा वो 80% पल्प होगा और पल्प की क्वांटिटी दे रखी है 32 kg। इफ 80% 32 kg हो तो 100% कितना होगा? 32/80 × 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 40 kg आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी, आ गई ड्राई फ्रूट की टोटल क्वांटिटी आ गई, यानी आंसर ये हो जाएगा।